भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे। क्या दरिया रावी से पानी चोरी से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत को इल्म है? चीफ जस्टिस के दरिया रावी और अबासिया लिंक के नाम से पानी चोरी से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी महकमे नहार से 4 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। अबासिया लिंक के नाम से गरीब मजारों का पानी चोरी करना उनका खून चूसने के मुतरादिफ है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हजार के नाल अराजी पर माफिया ने कब्जा कर लिया, इंसाफ फराहम करें। ठोकर न्याज बे के रिहायशी कब्जा माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर पहुंच गए। एहतजाजी मुजाहिरा, चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। सर्दी में इजाफा, कहीं गैस प्रेशर में कमी तो कहीं पर लोड शेडिंग, दो वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। एलपीजी माफिया ने गैस के निर्ख बढ़ा दिए, एलपीजी 180 रुपए से 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, शहरियों की अपील। गैस के बाद बिजली का बहरान भी शुरू। भगी पावर प्लांट की 3 टरबाइनें बंद होने से 1180 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। आरएलएनजी ना मिलने के बाद टरबाइनें बंद, शहर में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सरकारी रेट लिस्ट महज दिखावा, सब्जी मंडी में मौसमी सब्जियों की कीमतें दुगना हो गई। आलू 6 रुपए के इजाफे से 20 रुपए किलो, टमाटर 45 रुपए, प्याज 25 रुपए, करेले 80 रुपए और अदरक 165 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। महंगाई की लहर अरूज पर, लंडा बाजार में खरीदारी भी मुश्किल। जैकेट, स्वेटर, जर्सियां, जराबे, मफलर और जोगर्स की कीमतों में इजाफा। जैकेट 5 से 1000 रुपए, जर्सी 200 से 500 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों का महंगाई का शिकवा। लाहौर प्रेस क्लब का इंतखाबी दंगल, पोलिंग का अमल जारी। प्रोग्रेसिव ग्रुप, जर्नलिस्ट पैनल और आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जर्नलिस्ट पैनल के अरशद अंसारी और प्रोग्रेसिव ग्रुप के शहबाज मियां के दरमियान सदारत के लिए मुकाबला। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर जाहिद आबिद और शहजाद हुसैन भट्ट आमने सामने हैं। 2288 उम्मीदवार हक के रायदे इस्तेमाल करेंगे। सहाफी बरादरी में जोश व खरोश। एक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बना सकती है, अब्दुल अलीम खान का दावा। शहबाज शरीफ खुशी मनाए, उनके अली बाबा और 40 चोर काबू आ गए। जरदारी की सिंध कार्ड खेलने की कोशिशें नाकाम होंगी। सीनियर सूबाई वजीर की गुफ्तगू, अब्दुल अलीम खान से नौ बल्दियाती अराकीन और साबिक नाजिमीन मियां इफ्तखार और आमिर खलील की मुलाकात। शहरियों के लिए वोट की मुंतकली और अंदराज का कल आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन के जिले दफातर शहरियों की सहूलत के लिए आज भी खुले रहेंगे। शहरी कल शाम 5 बजे तक दफातर में जाकर वोट का अंदराज और मुंतकली करवा सकते हैं। जिना खिदमत खल्क फाउंडेशन के जेर एहतमाम 150 मुस्तहिक बच्चियों में जहेज तकसीम। चेयरमैन पीएचए सैयद यासिर गलानी, मियां दाऊद, साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, अखबार फरोश यूनियन के सदर चौधरी नजीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शहर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार, हल्की धुंध के साए, दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से भी गुरेज किया जाए, तर्जुमान मोटरवे। धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल शदीद मुतासिर। बिजनेस एक्सप्रेस कराक्रम, शाह हुसैन, तेजगाम, कराची एक्सप्रेस ताखीर का शिकार। अलावा इकबाल एयरपोर्ट पर 18 परवाजें मुतासिर, 10 परवाजें ताखीर का शिकार, 8 मंसूख। छुट्टी के रोज रवायती नाश्ते के मजे, गवाल मंडी में नाश्ता पॉइंट्स पर रश। शहरी हलवा पूरी, मीठी लस्सी, बोंग पाए से लुत्फंदोज होने लगे। के रोज करे गवर्नर हाउस की सैर, फैमिली और स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा भी सैर करने पहुंच गए। बच्चों की खूब मौज मस्ती, शटल सर्विस और मीठी धूप के मजे।
یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں نئے طلبہ کے لیے ویلکم پارٹی، طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے رنگ جما دیا۔ گلوکار جواد احمد نے بھی اپنی خوبصورت آواز سے تقریب دو چار چاند لگا دیے۔